नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम वाहिद है और अभी जहां हम मौजूद हैं हम गुरेज वैली में मौजूद हैं। और गुरेज वैली में ख़ास तौर पे जब गुरेज का नाम आता है तो हमारे जहन में एक बात घूमती है, वो बर्फ़ की होती है। और यहां पे ख़ास तौर पे जो ग्लेशियर्स हुआ करते थे वो लगभग डिसअपीयर होना शुरू हो गए हैं, क्योंकि क्लाइमेट चेंज जो है लगातार दुनिया भर में अपना प्रवेश कर रही है। और हमने देखा है कुछ सालों में लगातार जो टेम्परेचर है वो बढ़ रहा है, और वहीं यहाँ पे भी वो महसूस हो रहा है। जहाँ हमने यहाँ के लोकल से बात की तो पता चलता है कि यहाँ पे जो अभी टेम्परेचर होता है वो काफ़ी ज़्यादा होता है, जो यहाँ पे पहले कुछ साल पहले नहीं हुआ करता था। अभी जहाँ पर मैं मौजूद हूँ ये ग्लेशियर है, यहाँ से लगभग जो ग्राउंड लेवल है उससे हम लगभग 5 किलोमीटर ऊपर आए हैं, और बताया ये भी जाता है कि लगभग 10,000 फीट की ऊंचाई पे हम लोग मौजूद हैं। और यहाँ पे मैं आपको दिखा सकता हूँ, ये जो मेरे पीछे आप वाइट सा दिख रहे हैं ये ग्लेशियर है, आप ये देख सकते हैं ये ग्लेशियर है। और यहाँ से इसकी एंट्री, और यही ग्लेशियर जो है पानी में तब्दील होता है और यही पानी हमारे घरों तक पहुँच जाता है। लेकिन लगातार जो ग्लेशियर है वो ख़त्म हो रहे हैं, जिस वजह से आने वाले कुछ सालों में शायद ही ये ग्लेशियर हमें कहीं नज़र आए और शायद ही हमें ये पानी जो है पीने को मिले। क्योंकि जिस तरीके से ये लगातार ख़त्म हो रहे हैं, ख़ासतौर पे क्लाइमेट चेंज की वजह से जो चीज़ें हो रही हैं उस पर इसलिए बात करना ज़रूरी है, क्योंकि कश्मीर जैसे रीजन में अगर इस तरीके से ग्लेशियर ख़त्म हो रहे हैं ये वाकई एक चिंता की बात है। और इस पे हमें सोचना बहुत ज़रूरी है, इस पे गौर करना बहुत ज़रूरी है, तब जाके शायद हम जो हमारे आने वाली जनरेशन होगी वो शायद इस खूबसूरत मंज़र को देख सकती है। वरना अगर हम इसी तरह लगातार इसको चलाते रहें तो शायद ही आने वाले कुछ 10 सालों के बाद हमें इस तरीके का नज़ारा देखने को मिलेगा।